लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे समीप आ रही है, वैसे वैसे पूर्व मुख्यमंत्री व राजनांदगांव से लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। पहले शराब घोटाला, कोयला घोटाला सहित ईडी के शिकंजे में फंसे भूपेश बघेल के आए एक वीडियो का सिख समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वीडियो के बाद सिख समुदाय के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव प्रचार के दौरान राजनांदगांव जिले के बाघ नदी स्थित गुरुद्वारे में मोजे और सिर पर टोपी लगाकर पहुंचकर मत्था टेकने गए थे, जिसका वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ लिया है, क्योंकि गुरुद्वारे में प्रवेश करने के कुछ नियम है। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु घर की एक अपनी मर्यादा है। गुरु घर में प्रवेश करते समय उन मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आप गुरुद्वारा साहब में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु घर में प्रवेश कर रहे हैं, गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने आप माथा टेकने गए हैं, तो आपको सर पे कपड़ा रखना है, सर रखकर गुरुद्वारा साहब में प्रवेश करना है और सिर पर किसी भी तरह की टोपी नहीं लगानी है। और इसके साथ ही आपने यदि बाहर जूते उतारे हैं तो जो जराब आपने सॉक्स पहना उसे भी बाहर उतार कर आना है। लेकिन जिस तरह का एक दृश्य आज देखने को मिला गुरुद्वारा साहब में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेतागण और वहां के स्थानीय विधेश्वर साहू जी जब गुरुद्वारा साहब में माथा टेक गए तो उन्होंने सर पर किसी भी तरह कपड़ा नहीं रखा था, सर पर नहीं रखा था। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सर पे टोपी लगाई हुई थी और उसके साथ ही अपने पैर में सॉक्स पहने हुए थे। यह गुरु घर की मर्यादाओं के खिलाफ है, गुरु घर की मर्यादाओं की अवमानना है। छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल की ओर से हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं।